केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। राजमहल थाना पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर एक दुकान में छापेमारी की। दुकान से 850 ग्राम गांजा जब्त कर दुकानदार को गिरफ्तार किया गया। राजमहल SDPO अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से कहा कि गुप्त सूचना पर राजमहल शहर के रजिस्ट्री ऑफिस के सामने पार्किंग के पीछे बांस की टाटी से निर्मित चंदन मिश्रा नामक व्यक्ति के दुकान में अवैध गांजा का कारोबार चलने की सूचना मिली थी। सूचना की त्वरित कार्रवाई करते हुए राजमहल SDPO के नेतृत्व में 4 सदस्य टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया, जिसके बाद छापेमारी टीम द्वारा उक्त दुकानदार के दुकान पर छापा मारा और दुकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान चंदन मिश्रा के दुकान से लगभग 850 ग्राम गांजा तथा 2 ग्राम पारदर्शी प्लास्टिक के पैकेट 13 पुड़िया जब्त की गई है और कहा कि पुलिस ने दुकानदार चंदन मिश्रा को गांजा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर राजमहल थाने में कांड संख्या 293/20 दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। राजमहल से संदीप कुमार के साथ आनंद भगत की रिपोर्ट। इस बजे सुबह में गुप्त सूचना मिली कि राजमहल रजिस्ट्री ऑफिस के सामने दुकान है जिसमें गांजा का अवैध कारोबार। इस सूचना पर राजमहल थाना के पुलिस अधिकारी द्वारा छापेमारी की, जिसमें लगभग 850 ग्राम गांजा और कुछ प्लास्टिक लपेटा हुआ पुड़िया मिला। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम चंदन मिश्रा है। द्वारा बताया गया कि बंगाल से अंजाला से और यह विभिन्न स्थानों पर आज ही एक व्यक्ति के पास आया था। एक किलो का सिराइमल थाना पुलिस द्वारा आ गया और अभी गिरफ्तार कर लिया।